चलो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे, देखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर में अक्सर इसको पूछते हैं। परिनालिका जिसको अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहा जाता है, 10वीं साइंस में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर देखना परिनालिका या सोलेनॉइड किसे कहते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अति लंबे सोलेनॉइड के अंदर के विस्तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। तो परिनालिका आप लोग जानते थे, एक खोखला बेलनाकार हो, अगर उस बेलनाकार के पास 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 चालक तार को लपेट दें तो जो बेलनाकार रचना बनती है उसी को सोलेनॉइड अथवा परिनालिका कहते हैं। तो उसकी परिभाषा यही है, पास पास लपेटे गए पृथककृत चालक तार से बनने वाली बेलनाकार रचना को हम परिनालिका कहते हैं। जैसे एक खोखला बेलनाकार है, इसके ऊपर पास पास तार लपेट दिया गया है, इसको हम परिनालिका कहते हैं। 10वीं की साइंस में हम लोग पढ़े थे परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक जैसा होता है, मतलब चुंबक परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की ओर जाती हैं और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर आती हैं। ये चीज़ों का अध्ययन आप लोग किए थे। यहाँ पर हमको क्या करना है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके परिनालिका के अंदर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ कि जब हम इस परिनालिका के अंदर ये जो चालक तार लपेटे गए हैं इसके अंदर जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान किस सूत्र पर से निकाला जाएगा, उसका अध्ययन हमको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखना परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा किया गया है, एक अनंत लंबाई की परिनालिका यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। और ये जो बीच में रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं परिनालिका के अंदर के भाग में। अब यहाँ ऊपर डॉट 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 का निशान है, नीचे क्रॉस 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 का निशान है। तो क्रॉस का मतलब आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत अंदर की ओर जा रही हैं, डॉट का मतलब लंबवत बाहर की ओर आ रही हैं। कहने का मतलब कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में हो, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है अंगुलियों के मुड़ने की दिशा में होती है। यहाँ पर देखना अंगुलियां मुड़कर ऐसे बाहर की ओर आ रही है, मतलब ऊपर से बाहर की ओर आएंगे, इसका मतलब लंबवत बाहर की ओर है और यहाँ से अंदर की ओर लंबवत प्रवेश करेंगे। आई बात समझ में, आकृति में एक अनंत लंबाई की परिनालिका दर्शाई गई है और नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत, देखना नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत अंदर की ओर जाती हैं, यहां नीचे के भाग से लंबवत कहां जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं, और ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर क्या हो रही हैं, आ रही हैं। अब यहां पर एक बंद आयताकार लूप ले लिया गया है ए बी सी डी, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर एल लिया गया है और बी सी बराबर ए डी बराबर बी लिया गया है और परिनालिका में आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये जो बंद वक्र है इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, जिसमें ए बी के कारण से अलग होगा, बी सी के कारण से अलग होगा, सी डी के कारण से अलग होगा, ए डी के कारण से अलग होगा। तो वही कुल रेखा समाकलन बी डॉट डी एल बराबर ए बी के कारण से बी डॉट डी एल ए से बी, बी सी के कारण से बी डॉट डी एल बी से सी, फिर सी डी के कारण से बी डॉट डी एल सी से डी, फिर ए डी के कारण से बी डॉट डी एल बराबर डी से आपका क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर अपने डी से ए लेंगे, डी से ए, गौर करना ध्यान से, ए से बी यहाँ जो है वो नीचे है, सी से देखना बी से सी जो यहाँ ऊपर है वो यहाँ नीचे है, अब सी से डी जो यहाँ ऊपर है वो यहाँ नीचे है, इस तरह से रेखा समाकल लिया गया। लेकिन आप गौर करना ध्यान से, जो ए डी और बी सी है, देखना ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लंबवत है, देखो लिखा ना, परंतु ए से डी तथा बी से सी में बी और डी एल परस्पर आपके क्या होंगे, लंबवत होंगे, और जो सी से डी भाग है ये परिनालिका के बाहर है, हमको परिनालिका के अंदर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है। जिसका मतलब जब लंबवत होंगे तो उनके बीच का कोण 90° होगा, जब 90° होगा तो यहाँ पर डॉट डी एल है, इसका मतलब cos 90 का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो बी से सी है, देख रहे हैं बी से सी और ए से डी, ये तो लंबवत के कारण से 0 हो जाएंगे, और जो सी से डी है वो बाहर है इसलिए उसको भी छोड़ देंगे, हमको अंदर के भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, खाली ए से बी वाला बचेगा। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर ए से बी बी डॉट डी एल। अब यहाँ पर बी और डी एल परस्पर देखना लंबाई इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है तो दोनों समांतर होंगे, तो cos 0 का मान कितना गिना जाएगा, 1 गिना जाएगा, यहां पर b इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई का मतलब ab होगा और ab का मान क्या है, स्मॉल l है, यहां पर स्मॉल l हो जाएगा। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू सिग्मा आई। अब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का मान देखो आपका क्या आया है, बी एल, यहाँ बी एल बराबर म्यू जीरो इंटू
किंतु आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, आई लिख दिया, यहां से बी बराबर म्यू जीरो आई अपान एल, ये पन्यालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। लेकिन अगर तार के एन फेरे हो तो आप लोग जानते हैं पन्यालिका में जितने तार के फेरे होते हैं चुंबकीय क्षेत्र उतना गुना बढ़ जाता है, जिसका मतलब अगर एन फेर है तो एन गुना बढ़ जाएगा, तब बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन आई बटे एल हो जाएगा। अब यहां पर कैपिटल एन बटे एल को स्मॉल एन लिखा गया है और स्मॉल एन का मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एन बटे एल के स्थान पर स्मॉल एन यूज कर देंगे, तो म्यू जीरो स्मॉल एन आई, ये पन्यालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, जहां स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो पन्यालिका किसे कहते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमको प्राप्त करना है इसके अंदर के भाग में, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर का, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।